हेलो गाइस, सुपर टेक की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग रेजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये कुछ रेजिस्टर्स है जो मैंने अमेजोन से ख़रीदे थे और इसमें टोटल 1000 रेजिस्टर्स है, टोटल 50 तरह के, और इस तरह के आपको 20 रेजिस्टर्स मिल जाएंगे। तो ये सब रजिस्टर्स मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, मुझे पड़े थे 194 रुपीज़ और उसके साथ कुछ डिलीवरी चार्जेस भी लगे थे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा कि आप ये कहाँ से ख़रीद सकते हो। तो आज हम लोग जानेंगे कि आप कहाँ पे कौन सा रजिस्टर्स यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है और कौन सा वैल्यू आपके डिवाइस के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ रजिस्टर्स के वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 33K, तो ये 33,000 ओम का रजिस्टर्स है, मतलब 33 किलो ओम का रजिस्टर्स है। इसमें लिखा है 27K, तो ये 27 किलो ओम का है। और उसके साथ ये है कुछ 5K6 लिखा हुआ है, शायद ये 5 किलो ओम का होगा, वो चेक करना पड़ेगा। ये आपका मिलेगा 100 किलो ओम का। तो ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टर्स के वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन भी की जाती है, लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे, ये 820 किलो ओम का है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टर्स की वैल्यू आप इसके जो कलर कोड्स हैं वो उसको देख के हम लोग आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टर्स के आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक चार्ट मिल जाता है, और ये जो चार्ट है इसकी इसमें रेजिस्टर्स में आपको जो कलर बैंड्स होते हैं उसके हिसाब से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे कि ब्लैक कलर के लिए 0 वैल्यू होगा, ब्राउन कलर के लिए 1, तो इसको मैं याद रखता हूँ BB Roy GBV, और ये लास्ट के जो हॉर्स कलर है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। और इस कलर के लिए एक वैल्यू डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है ये जो 5.6 किलो ओम का रेजिस्टर्स है इसके लिए आपको कलर कोड क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं जो 5.6 है उसके लिए आपको 5 के लिए ग्रीन और ब्लू के लिए 6, इसको पास पास बिठा दोगे तो 56 आ जाएगा। और उसके साथ रेड के लिए आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 100, तो इसका वैल्यू होगा 5600 ओम। 5600 ओम का मतलब होता है 5.6 किलो ओम। और ये लास्ट में जो येलो कलर की लाइन है ये एक्चुअली गोल्ड कलर होगा, तो ये गोल्ड कलर के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 5% टॉलरेंस। और ये अगर सिल्वर कलर होगा तो आपको ये 10% टॉलरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये जो रेजिस्टर्स है इसकी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो पहले जो दो कलर्स हैं वो है ऑरेंज, तो ऑरेंज मतलब ओ ऑरेंज एंड देन इसके साथ आता है ब्राउन एंड गोल्ड, ब्राउन एंड गोल्ड। तो ये जो पहले के तीन कलर्स हैं ये आपका रेजिस्टर्स का वैल्यू डिसाइड करेगा, और ये जो गोल्ड है, गोल्ड के लिए जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये 5% टॉलरेंस को दिखाता है। ठीक है, तो जो ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए आपका वैल्यू कितना होगा ये आप देख सकते हैं, आपको ये मेमोराइज कर लोगे तो अच्छा होगा। तो ऑरेंज के लिए ये है 3, तो 3, और दूसरी ऑरेंज के लिए भी 3। और ये जो आपका ब्राउन कलर होगा, तो ब्राउन कलर का मतलब होता है 1, तो हम लोग उसको 10 से कैलकुलेट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकलेगा 330 ओम। ठीक है, तो
ये जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, ये 330 ओहम होगा, ठीक है, इसमें ऐसा लिखा भी है। एक्चुअली इसको ओहम को ऐसे लिखते हैं, ये ओहम का साइन होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा है इसका भी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो गोल्ड कलर है उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, और उसके पहले तो हम लोगों को तीन कलर दिखना चाहिए। एक्चुअली एक कलर जो है वो आपको ठीक ठाक से दिख नहीं रहा है, वो होगा ग्रीन। तो ग्रीन, उसके बाद होगा कलर ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू एंड ऑरेंज, और उसके साथ गोल्ड कलर के लिए 5% टॉलरेंस, ठीक है। तो ग्रीन के लिए देख लेते हैं कौन सा कलर होगा। ग्रीन के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइव, ठीक है, और उसके साथ जो ब्राउन होगा, ब्राउन के लिए होगा 1, और ऑरेंज के लिए हम लोगों को ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 1000 से, मतलब 1 किलो ओम से। तो इसकी वैल्यू होगी, इस रेजिस्टर्स की वैल्यू होगी 51,000 ओम, मतलब इसका वैल्यू होगा 51 किलो ओम। इसमें कुछ गलत लिखा है, ये 51 होगा, किसी तरफ से हम लोगों ने गलत लिख दिया होगा। तो आप लोग ऐसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखना पड़ेगा कि आप समझो कि आप एक एलईडी को चलाना चाहते हो 230 वोल्ट से, तो आपको जो मेंस का वोल्टेज होगा वो होगा 230 वोल्ट, ठीक है, और इसके साथ आपको जो एलईडी है उसका वोल्टेज मिलेगा, आपको 3 वोल्टेज देना पड़ेगा, और वो जो करंट कंज्यूम करता है वो आप सपोज मान लेते हो कि 10 मिली एम्स। अब डिफरेंट एलईडी डिवाइस करंट को ड्रॉ करते हैं, ये आपको वैल्यूज की जानना पड़ेगा कि ये कितना करंट और कितना वोल्टेज में ये चलता है। तो देखना हम लोग देखेंगे कि इस एलईडी को चलाने के लिए हम लोग को कितने वोल्टेज का, मतलब कितने वैल्यू का रेजिस्टर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले हम ये जो मिली एम्प्स है इसको हम लोग एम्प्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एम्प्स में कन्वर्ट करने के लिए, मिली एम्प्स टू एम्प्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको थाउजेंड्स में डिवाइड करेंगे, तो ये एम्पियर बन जाएगा। थाउजेंड से डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है 0.01 एम्पियर। तो इसको चलाने के लिए 230 वोल्ट जो हमारे घर में कनेक्शन आता है उसको इसमें चलाने के लिए इसकी जो रजिस्टर की वैल्यू होगी उसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। तो हम लोग इसको कितना वोल्टेज देंगे, 230 वोल्ट माइनस जो ये 3 वोल्ट वाला एलईडी है, तो ये 3 माइनस को माइनस करना पड़ेगा। अगर ये कोई 12 वोल्ट वाला एलईडी होगा तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट 12 डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 12 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे जो ये एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा ये रजिस्टर, उसकी वैल्यू है 0.01 एम्स, ठीक है। तो ये होगा रेजिस्टर्स का वैल्यू इन ओहम, इसको इसका वैल्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये 227/0.01 ओहम, मतलब 22.7 किलो ओहम। तो इस वैल्यू के रेजिस्टर्स, इसके आसपास की वैल्यू की कोई रेजिस्टर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका ये जो रेजिस्टर्स है ये ठीक ठाक चलेगा। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो ये 27 या 21 किलो ओम का रेजिस्टर होगा, ये आपको कलर देख के इसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेजिस्टर लगाओ तो आपका एलईडी फ्यूज नहीं होगा। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए यही तक था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, गुड नाइट।